नमो नारायण मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर एफ है, यानी कि एफ से फैजान, फैजल, फैजू, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम एफ से शुरू होता है, तो उन सभी लोगों के साथ साल 2021 में क्या क्या होने वाला है। परंतु सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के गुरु मंत्र के बारे में। गुरु मंत्र है कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान नहीं हो। तो यही था इस वीडियो का गुरु मंत्र। और अब बात करते हैं कि आपके साथ साल 2021 में क्या क्या होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ इस वीडियो को आप सुनते रहें। इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमाते हो तो पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, वृश्चिक मीन स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, और इस वीडियो के नीचे ओम नमः शिवाय कमेंट कर दें। तो अब बात करते हैं कि आपके साथ आने वाले वर्ष में क्या क्या होने वाला है। इस वर्ष में आपके साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्टकट में, उसके बाद जानेंगे पूरे विस्तार से। सबसे पहला है आपका करियर। दोस्तों, करियर के लिहाज से 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आने वाले वर्ष में अपने करियर के प्रति आप जो फैसला करोगे, उस फैसला में आपको शनिदेव का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और इस वजह से अपने करियर में आपकी तरक्की काफ़ी ज़्यादा होगी। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं, उन सभी लोगों के कामकाज में उनके कार्य क्षेत्र का माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आने वाले वर्ष में आपके नौकरी में, आपके पद में, आपके सैलरी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगा। इस वर्ष में अगर अपने कामकाज को आप पूरे मन से, पूरे एकाग्रता से, पूरे आस्था से करते हैं, तो आपके काम से आपके बॉस, आपके सीनियर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, और इसका फायदा आपके कामकाज में आपको अवश्य मिलेगा। इस वर्ष में आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं, वो हर पल हर क्षण आपका सपोर्ट करेंगे, और इसका फायदा आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इस वर्ष में आप में से बहुत से लोग अपने करियर की वजह से, अपने नौकरी की वजह से विदेश यात्रा करने वाले हैं, और विदेश यात्रा के वजह से आपके आने वाले वक्त में आपको फायदा काफी ज्यादा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। दोस्तों, धन संपत्ति के लिहाज से भी आपका समय सामान्य तौर पे सही रहने वाला है। इस पूरे वर्ष में शनिदेव आपकी राशि के दूसरे भाव में रहेंगे, और शनिदेव के यहाँ रहने के वजह से आपको पूरे जीवन में, यानी कि साल 2021 के पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आपके पास धन का स्रोत काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन इस वर्ष में कभी कभी कुछ खर्चे होंगे, जिन खर्चों के वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन खर्चों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव के वजह से आने वाले वक्त में आपको पैसा कमाने का मौका काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आने वाले वर्ष में आपके पास आमदनी के नए नए स्रोत रहेंगे, पैसा कमाने का रास्ता आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन फिर भी अपने खर्चे पे आप कंट्रोल करें, ताकि ज़्यादा खर्च होने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
इसके बाद बात करते हैं कि एफ नाम वाले छात्रों के साथ 2021 में क्या होगा, पढ़ाई लिखाई में आपका ग्रह आपका साथ देगा या नहीं देगा। तो मित्रों आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, आने वाले वर्ष में अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई में पूरे मेहनत से पूरे एकाग्रता से अगर आप लगे रहते हैं तो राहु आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करेगा और राहु के वजह से आने वाले वक्त में पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इस वर्ष में आप में से जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं वो चिंता बिल्कुल भी ना करें, अगर वो छात्र पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में पूरे मन से लगे रहते हैं तो राहु के वजह से आपको सफलता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इस वर्ष में आप में से जो भी लोग पढ़ाई करने के उद्देश्य से घर से बाहर जाना चाहते हैं तो घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना आपका पूरा होगा और बाहर जाने का मौका भी आपको अवश्य मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। आने वाले वर्ष में आपको आपके स्वास्थ्य के वजह से दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल में केतु आपकी राशि के 12वें भाव में आने वाला है और केतु के 12वें घर में आने के वजह से आपके स्वास्थ्य में आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वर्ष में अपने रहन सहन का, अपने खान पान का आप पूरा ध्यान रखें। जिस वस्तु को खाने पीने के बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता हो, इस वर्ष में ऐसे वस्तुओं का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के वजह से आपको परेशानी का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष में आपके घर परिवार में तनाव का माहौल बहुत कम रहने वाला है। आपके घर परिवार के लोग मिलजुल कर रहेंगे, आपके घर में लगभग सभी लोगों के बीच सहमति होगी, लेकिन फिर भी आपके घर में एकाध लोग होंगे जो आपके पारिवारिक जीवन को खराब करने का प्रयास करेंगे, आपके घर के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष में शनि की दृष्टि आपके राशि के चौथे घर में रहने वाली है और शनि की दृष्टि के वजह से आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन जो भी लोग आपके घर परिवार का माहौल खराब करने का प्रयास करें ऐसे लोगों से आप दूर रहने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इन नकारात्मक इंसानों से आप संबंध मजबूत करने का प्रयास करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके घर परिवार वालों को दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखें, आने वाले वर्ष में आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, आपके घर में किसी की शादी होगी या कुछ ऐसा काम होगा जिस काम में आपके घर के सभी लोग हाजिर रहेंगे और पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। तो ये था शॉर्टकट में, और अब बात करते हैं पूरे विस्तार से आपके 2021 के बारे में। तो सबसे पहला है आपका प्रेम संबंध है। दोस्तों प्रेम संबंध के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष में आपको जो परिणाम मिलेगा वो परिणाम आपके प्रेम संबंध के लिहाज से सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आप में से बहुत से लोग प्रेम विवाह करने वाले हैं, बहुत से लोग प्रेम संबंध की शुरुआत करने वाले हैं, परंतु बहुत से लोगों का प्रेम संबंध इस वर्ष में खत्म हो जाएगा, बहुत से लोगों का ब्रेकअप होगा, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। इस पूरे वर्ष में अगर आपके साल के शुरुआत की बात की जाए तो साल के शुरुआत में जनवरी और फरवरी का महीना आपके प्रेम संबंध के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। साल के शुरुआत में ही आपका प्रेम संबंध बेहतर रहेगा, लेकिन फरवरी के बाद कुछ महीनों में यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास आपका प्रेम संबंध कमज़ोर हो जाएगा।
होगा मार्च अप्रैल के महीने में आपके और आपके प्रेमी के बीच नोक झोंक काफी ज्यादा होने वाला है, लेकिन अप्रैल के महीने में आपका प्रेम संबंध खराब तो रहेगा लेकिन खराब के साथ साथ बेहतर भी रहने वाला है। अप्रैल, जुलाई और सितंबर के महीने में आपका प्रेम संबंध सामान्य से काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस वर्ष में अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो उस मतभेद को आप दूर करने का प्रयास करें, बड़े ही प्यार से उस मतभेद को आप दूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में उस मतभेद की वजह से आप दोनों के प्रेम संबंध में दरार आ जाएगा और आपका प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। इस वर्ष में प्यार में पड़े कुछ लोग अपने प्रेम संबंध को एक अंजाम तक ले जाएंगे और बहुत से लोग इस वर्ष में प्रेम विवाह करने वाले हैं और अपने प्रेम संबंध को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका पर आप शक बिल्कुल भी ना करें और अपने प्रेम संबंध को कमज़ोर होने का मौका आप न दें, अन्यथा आपका प्रेम संबंध खराब हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा लेकिन आपको दिक्कतों का सामना भी काफ़ी ज़्यादा होगा, परंतु आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। इस वर्ष में आपकी राशि के 12वें घर में अचानक से केतु का आगमन होगा और केतु के आगमन की वजह से आप में से कुछ लोगों को बुखार होगा, फोड़ा फुंसी होगा, छोटी मोटी चोट लग जाएगी, कुछ लोगों को सर्दी खांसी जुकाम या फेफड़े में कोई दिक्कत होगी, यानी कि ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, आने वाले वक्त में आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा। जिस वस्तु को खाने पीने के बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता हो, इस वर्ष में ऐसे वस्तुओं का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें और यात्रा कम करने का प्रयास करें। और अगर आपको कोई समस्या हो तो अपना इलाज आप स्वयं से बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत से ही आपका और आपके जीवन साथी का संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा, लेकिन साल के शुरुआत में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। वैसे जनवरी के फर्स्ट वीक में आप दोनों के बीच प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और संभव है कि साल 2021 में अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जाएंगे जहां आपका दाम्पत्य जीवन काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जानते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि साल 2021 में आप सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला पुखराज रत्न, कौन सा पुखराज, ये एक रत्न है, इस रत्न को आप बृहस्पतिवार के दिन तर्जनी अंगुली में सोने की अंगूठी में धारण करें। इस उपाय को आजमाने के बाद पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप लाइक कर दें, वृश्चिक मीन स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।